नमस्कार, आज हम समाजशास्त्र के थर्ड ईयर के सेकंड पेपर उप समाजशास्त्रों का परिचय में हम अर्बन सोशियोलॉजी पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। नगरीय समाजशास्त्र का विकास तो समाजशास्त्र के साथ साथ ही शुरू हो गया था, पर अगर हम उसे सिस्टमेटिक तरीके से लें तो हम सबसे पहले कार्ल मार्क्स और एंजल्स के कॉन्सेप्ट्स को हम ले सकते हैं, जब उन्होंने समाज के विकास को बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि कैसे साधारण या जब मानव एक जंगली अवस्था से किस तरह से वो एक सिविलाइज सिचुएशन कंडीशंस में पहुंचा, ये उनका एक शुरू का एक कंसेप्ट है जो कि हमें अर्बनाइजेशन के बारे में बताता है। इसके अलावा फ्रेडरिक एंजल्स ने 1842 में, जो कि उनकी एक पहली पुस्तक थी, द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, जो 1844 में पब्लिश हुई, इसके अंतर्गत उन्होंने मैनचेस्टर में जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पर वर्किंग क्लास किस तरह से रहती है उसका अध्ययन किया। ये पुस्तक अपने आप में बड़ी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें उन्होंने मैनचेस्टर में जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी और उपनिवेशवाद के टाइम पर वहाँ से सारा कपड़ा विदेशों को भेजा जाता था, इसमें इंडिया एक प्रमुख स्थान रखता था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि किस तरह से मैनचेस्टर सिटी बढ़ा और वहाँ पर स्लम्स की कंडीशंस उत्पन्न हुई। तो मुख्य रूप से इसमें जो बात उन्होंने फोकस की वो यही थी कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण अर्बन सेंटर्स बढ़े और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जिसमें कि रहने की जगहों की प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने बताया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एमिल दुर्खेम का कंसेप्ट है मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, यह भी हमें वही बताता है कि किस तरह से साधारण ग्रामीण समाज या सिंपल सोसाइटी से कैसे हम लोग ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी यानी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अर्बनाइजेशन की तरफ ही या की तरफ ही फोकस करता है। इसके बाद हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो उसमें जॉर्ज सिमेल का काम है मेंटल लाइफ ऑफ मेट्रोपोलिस, जो कि 1903 में पब्लिश हुई थी। वो शहरी जीवन शैली, व्यक्तित्व, सामाजिक संगठनों, अधिक जनसंख्या व बसावट की विवेचना इस पुस्तक में उन्होंने की। और इस समय के बाद से 1920 से और 50 तक जो डार्विन का कंसेप्ट था इकोलॉजी, उसे शिकागो स्कूल ऑफ ने बहुत यूज़ किया और वो एक प्रमुख रूप से अर्बन सोशियोलॉजी के विकास में अपना एक स्थान रखता है। 1930 में लुइस वर्थ ने एक अपना आर्टिकल छापा था अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में, जिसका नाम है अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका पत्र है जिसमें उन्होंने शहरी जीवन की जीवन शैली के आदर्श रूप, जिसे हम कहते हैं आइडियल टाइप, को प्रमुखता से बताया और उन्होंने शहरी जीवन में जो जनसंख्या की बड़ी संख्या, अधिक घनत्व और सामाजिक विविधता पर उन्होंने जोर दिया, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी और सोशल हेट्रोजेनिटी को प्रमुखता से उन्होंने अर्बनाइजेशन के अध्ययन का कारण बताया। और उन्होंने
और इसके बाद 1970 से न्यू अर्बन सोशियोलॉजी के क्षेत्र में मैनुअल कैस्टेल की पुस्तक बहुत इम्पॉर्टेंट है, द अर्बन क्वेश्चन, जो कि 1977 में पब्लिश हुई और वो न्यू मार्क्सिज्म से प्रभावित थी। इस पुस्तक में पूंजीवादी शहरीकरण और आधुनिक एकाधिकार वाले पूंजीवाद और मॉडर्न मोनोपोली और कैपिटलिज्म से होने वाली समस्याओं पर फोकस किया गया, जिसमें कि लगातार बढ़ती हुई श्रमिकों की आवक, जो कि उन्होंने कहा कि शहरों में या इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण शहर श्रमिकों की संख्या बहुत बढ़ गई है जो कि रूरल एरिया से आ रहे हैं, और इससे जो कार्यक्षेत्र है उसमें संघर्ष की प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। और उन्होंने ये संभावना जताई कि इस यह कन्फ्लिक्ट को जन्म देकर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करेगी। पर कास्टेल ने अपने अन्य पुस्तकों में थोड़ा नरम रुख अपनाया। उनकी दूसरी पुस्तक द सिटी एंड द ग्रासरूट, जो कि 1983 में पब्लिश हुई, उन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी को यूज नहीं किया। वह उन्होंने शहरी सामाजिक मूवमेंट्स या आंदोलनों पर नरम रुख अपनाया। इसके बाद उनकी जो एक इम्पॉर्टेंट और बुक थी द इंफॉर्मेशन सिटी, जो कि 1989 में प्रस्तुत हुई, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के रेफरेंस में शहरों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन एज नाम की पुस्तक पब्लिश हुई, जो 1996 से 1998 के बीच में तीन वॉल्यूम्स में आई, और इसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर प्रमुख रूप से जोर दिया कि कैसे इंफॉर्मेशन एज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास में आंदोलनकारी परिवर्तन ला रही है। ये अधिकतर जो कार्य था वो